सूर्या, मुझे सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। ट्रेन में हमारी पहली मुलाकात, फिर यहाँ पे हम दोनों की एक साथ ट्रेनिंग, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा है ना? ये ख्वाब है या हकीकत, बताओ ना सूर्या। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप उसे लव करती हैं या नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि जो कुछ हुआ से ख्वाब बोल रही हो इसलिए। ए, मैं बहुत नर्वस हूँ, कल रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं और पता नहीं किसको कौन कौन से कैडर्स मिलने वाले हैं। कस के मेरा हाथ पकड़ लो, नर्वसनेस दूर हो जाएगी। ए, लव यू। प्रिया, ए प्रिया, कम या। हाथ मिलाओ। Give it. Congratulations, Priya. तुम कैरावन में पास हो गई हो, तुम्हें कहिए सब से बन गई हो। I'm so happy, Priya. Thank you. सूर्या को कौन सा कैरा मिला? और सुनो, असिस्टेंट कलेक्टर की हर्ष से चेन्नई में तुम्हारी पोस्टिंग भी हुई है। I'm so happy, Priya. Okay. So happy. Okay, प्रकाश, प्रकाश, listen, सूर्या का बताओ ना। ये क्या प्रिया? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में बोलता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरा क्या हुआ नहीं पूछोगी तुम? ओके, तुम्हें कौन सा कैरा मिला है? कैरेट 2 IPS। क्यों? सब तुम्हारी वजह से। इम्तिहान के दौरान तुम्हारे बारे में सोचा, 2 मार्क्स कम हुए। IPS मिल गया। इट्स ओके, तुम्हारे लिए सब मंजूर है प्रिया। तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। प्रकाश, I'll do anything for... प्रकाश! Hey, तुम कहाँ थे? Are you Mr. Surya? You are under arrest. Huh? What? You are a criminal, accused. IAS कैसे कर रहे हो? Mr. Surya, do you know the rules and regulations of IAS training manual? Yes, sir. IAS officer training attend किए गए candidate पर किसी तरह का इल्जाम नहीं होना चाहिए, जानते हो ना? जानता हूँ सर। जानते हुए भी तुमने गलती की है। You are trying to cheat the government. सर, मैंने ऐसा कुछ? You have given false verification certificate to the government. सर, आप ये? तुमने एक तहसीलदार को मारा है, गांव में दंगा फसाद होने का कारण बने हो, 24 घंटे पुलिस लॉकअप में गुजारे हो, तुम्हारे ऊपर FIR फाइल हुआ है। इस तरह के अक्यूज कैसे IAS कैडर में एंट्री लिए? सर, दंगा फसाद हुआ ये सच है, तहसीलदार को मैंने मारा सच है, मेरे नाम पे FIR दर्ज हुआ सच है, ठीक वैसे ही मैंने जो प्रोड्यूस किए सर्टिफिकेट सब सच है। कह रहा, मेरी बात तो सुनो, पीछे हटो। क्यों अरेस्ट करोगे भाई? गवर्नर आए तो भी अंदर नहीं जा सकता, पहले मेरे बेटे को रिहा कर दो, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता। मेरी बात सुनिए, आपको जो भी कहना है शांतिपूर्वक कहिए, एक ऑफिसर से इस तरह बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, मैं खुद अंदर जाकर पूछताछ करती हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। देखिए, पूछताछ करनी है तो हम लोगों को साथ रखकर कीजिए, वरना ये लोग झूठ बोलेंगे। जब धान लेने गए तो वहाँ पर फसाद किया, मैं एक ऑफिसर हूँ ये भूलकर इसने मुझे मारा। मैडम, पुलिस ने इसे अगर गिरफ्तार नहीं किया होता तो हमारी जान का खतरा हो जाता। मैडम, आज तहसीलदार को मारने वाला कल कलेक्टर पर भी हाथ उठा था, इसीलिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके इसे अंदर डाल दिया। मैडम, वहाँ क्या हुआ था तुम बताओ। साहब जी, ये सब एकदम झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने क्या कहा था पता है? इस साल सरकार ने धान 1 बोरी 300 रुपये और गंदा 1 टन 500 रुपये तय किया है, कितनी बोरी है गिन कर रसीद बनवा कर लॉरी में चढ़वा दो। साहब एक मिनट, हम किसान भाइयों ने मिलकर एक धान की बोरी का 500 रुपए, 1 टन गन्ने का 1000 रुपए मिले, ऐसे सरकार में अर्जी दी हुई है, लेकिन अचानक आप इस तरह का भाव दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? न्याय इन्ने के बाद मुझसे मत करो, दाम मैंने तय नहीं किया, सरकार ने तय किया। ए, कौन है? कौन है तेरी सरकार? तो सरकार को ये भेज दीजिए। ये क्या इतना घमंड है?
मैं कौन हूँ जानता है? तहसीलदार, तहसीलदारी सरकार है और सरकारी तहसीलदार है। अच्छा साहब, एक बात तो बताइए, मेहनत हम करते हैं और दाम आप लोग लगाएंगे? किसान जब खाद खरीदने जाता है, एक दुकान में एक बोरी यूरिया का 200 रुपए बोलता है, दूसरी में 210 बोलता है और तीसरी में 230 बोलता है, पूछने पर मेरा सामान है मैं ही दाम फिक्स करूंगा, क्या इसके लिए आपको स्टैंडर्ड दाम फिक्स नहीं कर सकते? इसे देखिए, हल ढो ढोकर बदन पर मैल की पपड़ी जम गई है, पानी में घुल जाने वाला एक मामूली सा साबुन भी ये नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसका फैक्ट्री का दाम 6 रुपए, डीलर के पास जाते ही 8 रुपए, सब डीलर के पास जाते ही 10 रुपए और हमारे पास आते ही 12 रुपए। क्या उसका कोई फिक्स दाम आप लोगों ने अभी तक तय किया है? पिछले हफ्ते दीवार की मरम्मत करने के लिए सीमेंट लेने गया, सीमेंट की एक बोरी का दाम 200 रुपए, वही बोरी आंध्रा में 120 रुपए, इन दोनों के बीच का 80 रुपए कहाँ गया, किसके पास गया, आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक एक कहकर आप लोग मंच पर भाषण झाड़ते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन मामूली से एक बोरी सीमेंट में आप एक तो नहीं सुना पाए, कहाँ जाऊँ किसे जाकर सुनाओ, कहा तो पागल बोलते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपए और यहाँ 48 रुपए, मतलब दिल्ली में रहने वाले पुण्यवान हैं और यहाँ रहने वाले पापी हैं। मिस्टर, ये सब अलग अलग स्टेट्स के इकोनॉमिक स्टेटस है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी प्लीज, इवन आई नो द इकोनॉमिकल स्टेटस, आई मीन ट्रेजिक इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। पिछले साल तक सालाना 840 करोड़ कर्ज लेने वाला हमारा देश इस साल 30 करोड़ ज्यादा ले चुका है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी और हमारी कमाई के 1 रुपए पर 46 पैसे ब्याज भर रहे हैं। दैट इज द रियल इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। पिछले साल की बारिश में हमारी तमाम फसल बर्बाद हो गई, उस पर लिए उधार का ब्याज भी नहीं भरा है, ऐसी हालत में किसान कैसे जी पाएगा? जायजा लेने आए मंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे बिना ही काजू बादाम खाते हुए दिल्ली वापस चले गए। मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे किसानों की बात आपकी समझ में है इसलिए बोल रहा हूँ, हमारी मेहनत का दाम फिक्स करने वाले आप कौन है? देखिए, जैसे हर उत्पत्ति का भाव उत्पादक फिक्स करता है, उसी तरह जिसे हमने मेहनत करके पैदा किया है उसका दाम भी हम ही फिक्स करेंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, एक बोरी धान 500 रुपए, एक टन गन्ना 1000 रुपए, इससे कम हमें नहीं पहुँचाएगा। ये क्या सब मिलकर दादागिरी पे उतर आए हो? देखिए ऐसा कुछ नहीं। अफसर, हम लोग अर्जी देके कितने दिन हो गए, उसका कोई जवाब नहीं है, मेरे बेटे ने इतना सवाल किया उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। देखो, हमारी मांगे पूरी करनी है तो इसी वक्त पूरी करो, वरना दफा हो जाओ। एक सरकारी ऑफिसर को इस तरह रोआब दिखा रहे हो? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? रसीद बनाकर सब बोरी लरी पे चढ़ाओ। बोरी छुएगा, हिम्मत है तो एक धान को छू के दिखा, हाथ काट के फेंक दूंगा। क्या बोल रहा है बिल्लू? ऑफिसर, होम सेक्रेटरी को फोन लगाओ। यस मैम। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू, आप लोग बहुत लापरवाही से पेश आए हैं, उनकी जो भी मांग थी वो उचित थी। मैडम, होम सेक्रेटरी लाइन पे हैं। हाँ यस सर, नमस्ते, मैं कलेक्टर जयलक्ष्मी बोल रही हूँ, मैं इस समय पुलिस स्टेशन में ही हूँ, मैंने यहाँ सारी पूछताछ कर ली है, इन लोगों की जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन इनकी मांगों को एज अ कलेक्टर मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने सरकार के सामने जो मांगे रखी हैं, उन पर सरकार ने क्या फैसला किया है ये जानने के बाद ही मैं कोई एक्शन ले सकती हूँ। सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कंसर्न मिनिस्टर से कंसल्ट करके यहाँ के हालात बताइए और अच्छा सा फैसला लेने के लिए कहिए, नहीं तो मुझे डर है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसानों के संघर्ष में न बदल जाए। यस सर। ओके सर, जब तक आपका जवाब ना आए मैं यही पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मिस्टर जय कुमार। यस मैम। आप इनके गांव कितने बजे गए थे? 4 बजे मैडम। और ये घटना कब घटी? 4:30 बजे। आई सी, मेडिकल सर्टिफिकेट कब लिया? 5 बजे ले गया मैडम। तो 5:30 बजे तक अरेस्ट कर लिया होगा। वेरी गुड, कितनी जल्दी एक्शन लिया। सिर्फ 1.5 घंटे में जेएच हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर किसी को अरेस्ट करना भारत में पहली बार हुआ होगा, है ना? शाबाश, सरकार का काम कितना तेज चल रहा है। यस मैडम, हमारे डिपार्टमेंट का नाम ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया है। हाँ बिल्कुल, इतनी ही फुर्ती किसानों की मांगों को अमल करने के लिए सरकारी कर्मचारी दिखाते तो ये मामला इस कदर संगीन न होता। एक बात समझ लीजिए, हम चाहे जितनी मर्जी हाईटेक सिटीज बना ले, लेकिन खाने का अनाज हम कंप्यूटर से पैदा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक किसान कर सकता है। यस पुलिस सर, मैं जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। ओके, मैं बोल दूंगी सर, थैंक यू। सरकार ने आपकी मांगों को मंजूरी दे दी। अच्छा? है, धान 1 बोरी 500 रुपया, गन्ना 1 टन 1000 रुपया देने को कबूल किया है, जियो भी पास किया है। बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। सुनो भैया, हमारी मांगे पूरी हो गई, हमने जो अर्जी दी थी ना उसको मंजूरी मिल गई है, सब कलेक्टर साहिबा ने कर दिया है। कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर साहिबा। मिस्टर सूर्या, आपकी मांगे जायज होने के बावजूद भी कबूल नहीं की गई, यही अगर आप पदवी में रहकर कहते तो जरूर कबूल हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर ग्रेटफुल टू यू। पार्डन मी, वी आर ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू।
यू स्पीक गुड इंग्लिश, कहाँ तक पढ़े हो? एमए लिटरेचर। एमए लिटरेचर करके हल चलाते हो, दैट्स वेरी गुड। इंस्पेक्टर, फॉर्मेलिटीज खत्म करके इन्हें रिहा कर दीजिए, पानी लाइए। इन्हें रिहा नहीं कर सकते। क्यों? इन पर एफआईआर दर्ज किया है, ये 24 घंटे लॉकअप में रह चुके हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जमानत लेकर ही छोड़ सकते हैं। एफआईआर दर्ज कर लिया, लाइए मैं देखती हूँ। यस मैडम, ये लीजिए मैडम। This is mere nonsense. आपने एफआईआर क्यों दर्ज किया? कैसे दर्ज किया? आप जानते नहीं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है? इस एफआईआर की वजह से इनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इनका करियर ही तबाह हो जाएगा, इनका भविष्य का क्या होगा? Don't you know that? अगर ये आपका भाई होता तो भी आप ऐसे ही करते? Will you do that? जी। Oof, very irresponsible people. Surya, heartless. कलेक्टर जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। हेलो सर, अभी जो जियो पास हुआ मुझे उसका नंबर चाहिए। कहिए सर। TN बार। जी सर। 12 बार 05। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसानों और तहसीलदार के मध्य जो तनाव हुआ और जिसके कारण सूर्या को अरेस्ट किया गया, मैं जिला अधिकारी होने के नाते अपने अधिकार के अनुसार ये FIR रद्द करती हूँ और अपने अधिकार से सूर्या को रिहा करने का आदेश देती हूँ।